इंपीरियल बेगूसराय में जहां अनन्या सबसे परेशान है और हर वक्त उसके सर पर तलवार लटकती रहती है, वहीं शो में उसे नए नए जख्म दिए जा रहे हैं। वहीं ये क्या अनन्या के जख्मों पर मरहम लगाया जा रहा है, आखिर माजरा क्या है, खुद इनसे ही जानते हैं। सीक्वेंस कुछ ऐसा हुआ है कि अनन्या की लाइफ में तो ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम चल रहा है, आपको पता ही है। तो एक और टास्क मिला है अनन्या को करने के लिए, तो अनन्या जाती है, वो टास्क पूरा करती है, देखते हैं। ये चल रहा है थोड़ा सा। वहीं सीरियल के सेट पर दोनों खूब मस्ती और एंजॉय करती हैं। ये रियल लाइफ में बहुत नॉटी है बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है और बहुत मस्ती करती रहती है। मतलब रिया मतलब 24 घंटे हंसती रहेगी वो। और ये रियल लाइफ में बहुत, ये रियल लाइफ में नहीं रोती है, सिर्फ रियल लाइफ में बहुत रोती है। और बट रियल लाइफ में ऑफकोर्स सब रोते हैं, लेकिन ये हंसमुख बच्ची है और बहुत केयरिंग बच्ची है, तो मैं नॉटी हूँ तो बस ये मेरा ख्याल रखती है। सीरियल में ननद और भाभी के कैरेक्टर को प्ले करने वाली इन दोनों के बीच अब गहरी दोस्ती भी हो गई है। जब मुझे भूख लगती है और मैं कुछ खा नहीं पाती हूँ, टचअप वचअप चल रहा होता है, तो रिया आके मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती है और ये मुझे बोलती है इयररिंग उतार वरना कान लंबे हो जाएंगे। इन शॉर्ट इतना प्यार है हमारे बता दी क्या इतना प्यार है हमारे बीच कि हमारे प्रोडक्शन ने हमको एक ही बेड देके रखा है मेकअप रूम में, बोला उसी में एडजस्ट करो, बहुत प्यार है ना हम दोनों। और जब उनको प्रॉब्लम होती है तो वो हमको मेकअप रूम में अलग भी कर देते हैं कि इनको अलग मेकअप रूम दो, वरना इतनी बातें करेंगे कि टाइम से कभी रेडी नहीं होंगे। वेल सीरियल बेगूसराय में जहां अनन्या हर वक्त चुपचाप और रोती नजर आती है, वहीं सेट पर वो बिल्कुल अलग अंदाज में होती है। अब ये दोनों कौन से टास्क की बातें कर रही हैं, ये तो अपकमिंग एपिसोड में ही पता चल पाएगा।